नहीं गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं। सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सके और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो चल अब्बा के पास इतने पैसे अब आपने घर क्यों बेच दिया जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं वहाँ घर टूट जाते हैं ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे मॉडल स्टील आओ एक मजबूत घर बनाते हैं अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूं शाहिद मियां प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफ़र में मेड इन पाकिस्तान एंड बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज़ रियोस जैसा कि आपका पता है कि एशियन ट्रेड टीवी की रवायत है कि हम हमेशा से पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए काम करते हैं दुनिया भर में और हम उन लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि अपने शुबे में रहते हुए बहुत सारी खिदमां सर अंजाम दी होती है आज मेरे साथ बहुत ही एक अमेजिंग शख्सियत मौजूद है मेरे पास अगर मैं तारफ़ भी करवाना चाहूँ तो मैं अल्फाजों का चुनाव का इंतहा भी करूँ तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी अगर मैं यू से डिस्क्राइब करूँ कि पाकिस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान पर ख़त्म होती है उनका जीना उनका मरना उनका सोचना उनका ओढ़ना बिछोड़ना सिर्फ पाकिस्तान है पाकिस्तान की जब बात होती है तो आज के दौरे हाजर में मीडिया इंडस्ट्री में से एक नेम आपके सामने हैं जी हाँ मेरे बहुत ही इमोशन हैं और नाम से आप जब सुनेंगे तो जान जाएंगे बहुत सारे पोर्टफोलियो बहुत हैवी पोर्टफोलियो उनका है अगर पाकिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें हम पाकिस्तान की हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री की बात करें मीडिया गुरुज की बात करें तो एक ही नाम होगा हमारे पास और वो है डॉक्टर कैसर रफीक साहब आज इस एपिसोड में जो कि ख्वाबों से तबीर तक बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है आज हम ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में जानेंगे डॉक्टर साहब की कहानी डॉक्टर साहब की ज़ुबानी मेरे साथ बंदे रहिए उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा होने वाला है जी वेलकम टू माय शो ख्वाबों से तबीर तक पावर्ड बाय मॉडर्न स्टेट ग्रुप ऑफ कंपनी डॉक्टर साहब मेरे लिए बहुत खुशकस्मती की बात है कि मैंने जैसे कि कहा है अपने इंट्रो में मीडिया गुरु भी कह सकते हैं हम बल्कि आपको हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म के हवाले से हम अम्बेसडर पाकिस्तान कह सकते हैं हम डॉक्टर साहब ये बहुत लंबी जर्नी रही और बहुत लंबा सफर रहा है जो लोग डॉक्टर कैसर को नहीं जानते मैं उनके लिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा कि डॉक्टर कैसर हैं क्या और ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई थी और डिस्कवर पाकिस्तान तक कैसे पहुँची छह साहब पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और एशियन लाइफ मैगजीन का माशाल्लाह मैं कहूँगा कि बहुत सालों से आप एक ऐसा सफ़र लेके चल रहे हैं कि जो जिस तरह आपने अभी इंट्रो में भी कहा कि जो मेड इन पाकिस्तान और जो प्रो पाकिस्तान जो है एलिमेंट्स उनको प्रोजेक्ट करता है तो उसके लिए मैं कहूँगा कि बहुत बहुत मुबारकबाद आपको yes, इस सफ़र को जारी रखने के लिए क्योंकि आजकल के टाइम में जो है वो पॉजिटिव वो, वो, वो सोर्सेज बहुत कम रह गए हैं हमारे पास आ, स्पेशली पाकिस्तान में तो उसके लिए आपको जी बहुत बहुत मुबारकबाद तो अब बात करते हैं डिस्कवर पाकिस्तान तक के सफ़र की वेल well जी जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम एक छोटा सा टाउन है पाकिस्तान का चन्नू वहाँ से बड़ी अर्ली एज में आई लेफ्ट फॉर द यूएस जिस तरह एक होते हैं हमारी यूथ में इ वेरी अनफॉर्चुनेट के हमें कुछ यहाँ पे चीज़ें नज़र नहीं आती इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ uh, पाकिस्तान में जो है वो हमें क्रिएट करनी है ज़्यादा से ज़्यादा तो वो यूथ का एक यही होता है कि हम एजुकेशन के लिए वी शुड गो अब्रॉड तो उसी तरह एक था एक लगन थी तो आई वेंट टू द यूएस बस फिर वहीं से ही मेरी सारी बाकी सारी एजुकेशन जो बैचलर्स फिर मास्टर्स फिर डॉक्टरेट वो सारा सफ़र होता रहा फिर उसके बाद बिजनेस पहले जॉब की आ, कुछ अर्सा जिस तरह यू में जॉब तो एक्चुअली आप जिस दिन यू में लैंड करते हैं तो वहाँ पर इस तरह की लग्जरी नहीं होती कि आप जो है वो पेरेंट्स सब कुछ अफोर्ड कर रहे हैं चाहे वो वहाँ के लोग हैं मुकामी अमेरिकन हैं या कोई यहाँ से गए हुए हैं हमारे लिए तो चैलेंजेस और भी ज़्यादा होते हैं जो किसी भी और फॉरेन कंट्री से आए हुए होते हैं तो उन्होंने अपने लिए अर्न भी करना होता है और फिर लर्न भी करना होता है तो चैलेंजेस काफ़ी वो होते हैं तो उसमें बस काम शुरू किया साथ साथ में जॉब चलती रही साथ साथ में एजुकेशन चलती रही लेकिन फिर फाइनली सारी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद फिर उसके बाद फुल टाइम जॉब शुरू की और फिर उसके बाद कुछ अर्से के बाद बिजनेस शुरू किया और अलहमदिल्ला बड़ी अल्लाह पाक ने बहुत ही सक्सेस दी बहुत कामयाबी दी मेरी आई टी फर्म्स थी वहाँ पर पी आर कंपनी थी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं जो यू एस ए में अचीव की अलहमदिल्ला बस फिर उसके बाद यही था कि वो जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान से शुरू होने वाला सफ़र वो फिर हमने पाकिस्तान की तरफ ही आना था तो बस हमने पहले तो एक ट्राई की पाकिस्तान आके टू थाउजेंड फाइव सिक्स में के देखें कि पाकिस्तान के क्या है अगर हम कुछ सेटल हो सकते हैं अगर हम कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं लेकिन वो समफारचुनेटली कुछ एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा तो फिर देन आई मूव टू यू तो फिर यू में को कोऑलमोस्ट दस साल वहाँ पे स्पेंड किए वहाँ पे मौका मिला कि रूलिंग फैमिली के साथ काम करने का उसके साथ साथ जो है वो टूरिज़म को देखने का तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही कंसिडरेबल कंट्रीब्यूशन किया हमने इन्वेस्टमेंट्स के सिलसिले में भी कि दुबई के लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हमने लेके आए और साथ साथ टूरिज़म के रेवेन्यू को बहुत बड़ा हमने सपोर्ट किया मेरी टीम ने सपोर्ट किया तो हमने बहुत बड़ा ह्यूज रेवेन्यू जो है फॉर यू गवर्नमेंट फॉर दुबई गवर्नमेंट स्पेशली तो हमने बहुत बड़ा टूरिज़म रेवेन्यू डिलीवर किया वहाँ पर तो बस इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर यही था उसी दौरान पाकिस्तान में देखना शुरू किया कि पाकिस्तान में टूरिज़म का पोटेंशल क्या है तो बट आई हैव सीन के पाकिस्तान के अंदर टूरिज़म का बहुत ही ग्रेट पोटेंशल है चाहे आप किसी भी टूरिज़म की कैटेगरी की बात करें एग्जैक्टली तो वो बहुत बड़ा पोटेंशियल था तो बस उसी के ऊपर काम शुरू करते हुए फिर पाकिस्तान आना शुरू किया यहाँ पे एक दो बिजनेसेस पहले शुरू किए फिर उसके बाद हम चैनल की तरफ आए कि एक जो बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी जो मिसिंग थी मिसिंग लिंक था वो ये था कि हमारी पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली जो परसेप्शन है वो कोई इतनी ज़्यादा पॉजिटिव तो परसेप्शन तो नहीं है ग्लोबली पूरी दुनिया में जहाँ भी आप जाएँ तो मैं और आप देखें कि आज का जो टाइम है उसमें सॉफ्ट पावर कंट्री का होना वो बड़ा ज़रूरी है हार्ड पावर से ज़्यादा सॉफ्ट पावर बनना बड़ा ज़रूरी है पब्लिक डिप्लोमेसी पे अगर आप बात करें तो चाहे वो पॉजिटिव परसेप्शन है पब्लिक डिप्लोमेसी है दे आर ऑल द सेम इसके ऊपर इस वक्त जो कंट्रीज़ के जो बजट्स हैं वो बहुत हीज हैं बिलियंस ऑफ़ डॉलर्स में जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ हैं अमेरिका से शुरू हो के आप चाइना इंडिया यूरोप में कहीं भी देखें तो बहुत बड़ा रेवेन्यू स्पेंट है गवर्नमेंट के बिहाफ पे लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा अभी तक हमें रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये कितना ज़रूरी है एक पॉजिटिव परसेप्शन बिल्ड करनी क्योंकि वही आपके इन्वेस्टमेंट लेके आएगी वही पॉजिटिव परसेप्शन जो है वो आपके टूरिज्म को प्रमोट करेगी वो ट्रेड के लिए ओपन करेगी एग्जैक्टली जैसे आपने कहा वही ट्रेड वही ये सब चीज़ें जो है वो कोर रिलेटेड हैं तो उसके लिए जो मेन कोर जो थी वो ये था बिल्डिंग अप द पॉजिटिव परसेप्शन ऑफ द कंट्री तो उसके ऊपर हमने जी काम शुरू किया तो डिस्कवर पाकिस्तान का लाइसेंस लिया और फिर लाइसेंस लेने के बाद फिर दिन और रात हमने मेहनत की बहुत ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट की इसमें अपनी पर्सनल ज़ाती तौर पर जो हमने फ़ॉर में ही अर्न किया था सब कुछ तो वो हमने मुल्क के लिए हमने कहा कि इसको पाकिस्तान के इस इमेज बिल्डिंग की तो की टास्क को जो, जो है एग्जैक्टली तो exactly, तो उसकी इमेज बिल्डिंग क्योंकि देखें आज का जो टाइम है शाह साहब वो ये है कि रियलिटी मीन नथिंग ये बिल्कुल फैक्ट है रियलिटी uh, क्या है इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं है द परसेप्शन इज़ एवरी थिंग सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन है जो दुनिया आपको क्या समझती है मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मेरे साथ दुबई के प्रिंस हैं वो पाकिस्तान आए तो एयरपोर्ट पे उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं रहूँगा कहाँ वेयर वुड आई स्टे uh, कि पाकिस्तान में कोई होटल है? यानी दिस इज़ द परसेप्शन एट थ्री आवर्स फ्लाइट के तीन घंटे जिनके साथ हमारे बहुत ही ब्रादराना ताल्लुक़ है, बहुत क्लोज ताल्लुक़ है, लेकिन अभी जो न्यू जनरेशन है उनकी जो है जो ओल्ड जनरेशन थी यूएई की वो तो काफ़ी कनेक्टेड थी वो कराची के साथ कनेक्टेड थे वो पाकिस्तान के साथ कनेक्ट लाहौर के साथ कनेक्टेड थे वो पाकिस्तान के मुख्तफ एरियाज़ के साथ कनेक्टेड थे लेकिन जो नई आज की जो यूथ है यू ए की वो इस तरह कनेक्टेड नहीं है उन्हें नहीं पता पाकिस्तान में क्या है या पाकिस्तान क्या था वो सिर्फ़ आज देखते हैं कि आज पाकिस्तान की क्या परसैप्शन है तो वो उन्हें चीज़ें सुनने को मिलती हैं टूरिज़म सुनने को मिलता है मुख्तलफ अकसाम की जो है नेगेटिव अप्रोच वो देखते हैं हमारा टेलीविजन जो है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ही नेगेटिव प्रोडक्श प्रोडक्शन दे रहा होता है वो परसेप्शन क्रिएट कर रहा होता है वही परसेप्शन पूरी दुनिया में चलती है तो बस उसी के ऊपर जी हमने काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा तीसरा साल कंप्लीट हो गया है डिस्कवर पाकिस्तान का और वी आर कंटिन्यूइंग जी लेकिन डॉक्टर साहब वो कहते हैं ना गालिब कि ये इश्क नहीं आसान गालिब ये तो आग का दरिया है तो और, और कूद के जाना एनवायरनमेंट में रहते हैं सरकमस्टेंसेस में रहते हुए यार कोई बिजनेस करना आसान नहीं है और जैसे मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि एक इंसान आज मेरे साथ बैठा है जिसने हमेशा पाकिस्तान को सोचा है पाकिस्तान के लिए सोचा है इसमें कोई गुंजाइश नहीं है डॉक्टर साहब डिस्कवर पाकिस्तान बनाते हुए इसके पीछे फलोसफी क्या थी मेन आइडिया क्या था आपका क्योंकि टूरिज्म से फंड तो जनरेट नहीं हो सकता था ना क्योंकि चैनल तो चलता है यानी कि एडवर्टाइजिंग से तो मेन आपका इसके पीछे क्या पर्पज था देखें शाहस्टली देखें एज ए बिजनेस मैन ये तो बिल्कुल था एक इसको हमने सस्टेनेबल मॉडल बनाना है क्योंकि सस्टेनेबल अगर मॉडल नहीं होगा तो एक मस्जिद भी नहीं चल सकती उसके अंदर पानी टूटियों में नहीं आएगा कि अगर जो है वो सस्टेनेबल मॉडल नहीं बनेगा तो वो चलेगी नहीं तो उस सस्टेनेबिलिटी के ऊपर तो एज़ ए बिजनेस काम करना ही करना था हमने लेकिन ये प्रोजेक्ट जो था वो पैशन ड्रिवन था वो सस्टेनेबिलिटी मॉडल के ऊपर अगर कोई भी लेके चलता तो पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स हैं बहुत बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं टाइकोन्स हैं यहाँ पे वो इसको ओपन कर चुके होते क्योंकि इसकी कोई बिजनेस फिजिबिलिटी नहीं, नहीं बनती थी ये बिल्कुल जो है वो इसके ऊपर मैं आपको बताऊँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ दो ही किस्म के टीवी चैनल जिनको हमें दिखाए गए और जिनकी हमारी पब्लिक को आदत भी हो चुकी है एक है जो हमारे एंटरटेनमेंट, जो हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इंडिया के सारे कल्चर को यहाँ पे इंड्यूस कर रहे, रहे हैं।, हैं और वो लोग जो है हमारी बहुत बड़ी तादाद जो है पाकिस्तानियों की स्पेशली फीमेल में वो बहुत पॉपुलर हैं और वो हम उसको देखते हैं और वो बहुत बड़ा हमारी सोसाइटी के लिए वो बहुत बड़ा एक इंतशार पैदा कर रहे हैं और लोगों को एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल आपने राइट वर्ड यूज़ किया कि लोगों को एडिक्शन हो गई है और उससे इतने सारे घर तबाह हो रहे हैं कि अनबिलीवेबल कि वही हर वक्त के घर के अंदर किस तरह की तकरीबक कारियाँ चल रही हैं हमारी फैमिली वैल्यूज़ तो 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 ख़त्म हो रही हैं पाकिस्तान में बड़ी हाई बहु बहुत ज्यादा एग्जैक्टैक्ट यू आर हंड्रेड परसेंट दूसरा हमारे पास न्यूज़ चैनल न्यूज़ चैनल्स ने अगेन क्योंकि हमारे यहाँ ना ही कोई डेफोमेशन के लॉज को इम्प्लीमेंट किया गया ना ही हमारे यहाँ कोई ऐसा ना ही चैनल के ओनर्स ने सेल्फ इम्प्लीमेंटेड इम्प्लीमेंटेशन की कि कौन सी न्यूज़ हमने देनी है कौन सी नहीं देनी फॉर एग्ज़ाम्पल दुबई में हर न्यूज़ जो है वो पहले मीडिया डिपार्टमेंट के पास आती है वहाँ से वो वेट होती है उसका बाकायदा ये होता है कि आप किस परस्पेक्टिव से ये न्यूज़ जो है वो आप देंगे वो आपको बताना पड़ता है लेकिन यहाँ पर जो है वो हर वक्त एक ब्रेकिंग के उसमें हम ले आए लोगों को कि अब वो हर चीज़ और सुबह से ले शाम तक और फिर रात को एक आ, आ, सोने पे सुहागा होता है कि एक शोज़ का एक पूरा जो है वो चलते हैं हर टीवी चैनल पे और उसमें इतनी के होपलेसनेस बेची जाती है कि बंदा सोने से पहले उसको लगता है कि शायद सुबह जब मैं उठूँगा तो पाकिस्तान मौजूद नहीं होगा <laughs> तो ये बड़ी बदकिस्मती है तो ये था हमारा कॉम्पिटिशन तो इसमें हमें आना था तो लाइक आई सेड कि अगर ये पैशन ड्रिवन ना होता अगर ये ये ना होता कि ये हमने अपनी धरती को पे बैक करना है हमने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है बीइंग एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी इतने साल हमने एक किस्म की आप ये समझें कि एरोगेंस भी देखी लोगों की हमने हरासमेंट भी देखी अगेंस्ट पाकिस्तान हमने लोगों की इग्नोरेंस भी देखी हर तरह से जो है वो हमने उसको फेस किया देखा कि लोग जो है वो पाकिस्तान के बारे में और बड़ा दुख होता था तो उसी दुख को मिटाने के लिए जो है तो हमने इसको इस प्रोजेक्ट को शुरू किया लेकिन ये है कि अलहमदिल्ला हम इसको काफ़ी हद तक इसको ब्रेक इवन पे तो नहीं ला सके अभी तक Uh, क्योंकि uh, मुझे कुछ गिला है हमारी गवर्नमेंट <laughs> ऑर्गेनाइजेशन से भी uh, कि वो हमें हमारा ड्यू शेयर भी नहीं देती uh, वो भी सम हो uh, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ऑल दो हम जो काम कर रहे हैं वो काम जो है वो कोई चैनल नहीं कर रहा ना पीटीवी कर रहा है ना कोई और कोई टीवी चैनल कर रहा है ये नेशनल इंटरेस्ट ये सरकार का ये, ये गवर्नमेंट का, का काम है।, है तो हमारा हम ये है कि नेशनल इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं लेकिन वो उससे हमें हमें हम फिर भी कोई फेवर नहीं मांगते हम कहते हैं कि हमें कोई फेवर ना दें लेस जज ऑन द कॉम्पिटिशन हमारी व्यूअरशिप पर देखें हम व्यूअरशिप में जो है हम टॉप थर्टी चैनल्स में पाकिस्तान के हैं आउट ऑफ वन हंड्रेड टी वी चैनल्स अब उसी हिसाब से कम से कम हमें जो है हमारा वी आर द नंबर वन इन्फोटेनमेंट चैनल इन पाकिस्तान और ये हम ख़ुद नहीं कह रहे ये जो हमारे पास पाकिस्तान में पैमरा का रेगुलेटेड सिस्टम है जो कंपनीज हैं जो इसको मॉनिटर करती हैं एज़ पर देम पूरे का पूरा इन्फोटेनमेंट का शेयर हमारे पास है लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट सेक्टर में हमें वो प्रेफर नहीं किया जाता हमें ऐड नहीं दी जाती या बहुत तो कम दी जाती है अच्छा नहीं लेकिन देखें उसकी वजह क्या सुन लें अब ज़रा अब जो सबसे बड़ी जो हमें मुझे जो दुख आता है इस बात पे कि ये तो न्यूज़ चैनल नहीं है अच्छा तो अगर हम न्यूज़ चैनल नहीं हैं देखें कोई भी चीज़ आप भी माशाल्लाह एडवर्टाइजिंग के गुरु हैं तो एडवरटाइजिंग में होता क्या है कि आप आई बॉल्स के ऊपर के कितने लोग इस चैनल को व्यू कर रहे हैं दैट इज़ द क्राइटेरिया और वो कौन सी कैटेगरी है हमारी सारी की सारी व्यूअरशिप जो है वो एक अफोर्डिंग जो है वो अलीट क्लास मेजॉरिटी है फिर उसके बाद वो लोग हैं इंटेलेक्चुअल्स हैं सीईओज हैं वो सारे के सारे वो लोग हमें देखते हैं अच्छा अब वो गवर्नमेंट को क्योंकि हमसे थ्रेट कोई नहीं है वो तो वो ए, एक दफ़ा एक सीनियर ब्यूरोक्रेट कहते कहते कि वो तो होम्योपैथिक चैनल है कि वो हमें उनसे कोई खौफ नहीं है हमें उनसे कोई डर नहीं है दैट मीन अगर गवर्नमेंट का नैरेटिव ये होगा कि जिस चैनल से डर हो नेगेटिव न्यूज़ का उसको हम सपोर्ट करेंगे तो ये फिर बड़ी बदकिस्मती बड़ की बात होती है तो बस इसके ऊपर हमें थोड़ा सा गिला रहता है हमेशा लेकिन वो सारी चीज़ें अपनी जगह लेकिन ये है कि हमने भी तह किया हुआ है कि इन हमने कंटिन्यू एक पॉजिटिविटी के लिए हम काम कर रहे हैं हम किसी इंडिविजुअल के लिए काम नहीं कर रहे हैं हम इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं और हम इस काम को जारी रखेंगे और पूरी गो दौ के साथ पूरी कोशिश के साथ पूरी स्ट्रेंथ के साथ हम इसको करेंगे और इन शाह जो है और हर एवरी न्यू मंथ हम एक न्यू माइल स्टोन जो है वो हम टच कर रहे हैं ए, मैं आपको बताऊँ हमने न सिर्फ़ और हमारा रोल सिर्फ टीवी चैनल का नहीं है हमारा रोल जो हमने डिफ़ाइन किया है ख़ुद अपने लिए वो रोल हम यहाँ पे लेके गए हैं कि हमने मोर देन सिक्स माउंटेंस जो हैं वो हमने ख़ुद अपने लड़के भेज के उनको हमने स्पॉन्सर करके वो हमने पीक कराई हैं उन पीक होने के बाद उसके ऊपर 1200 से ज़्यादा जो है वो फॉरनर माउंटेनियर्स वो आके उन माउंटेंस को पीक कर रहे हैं दैट इज़ द्यूज रेवन्यू कमिंग टू पाकिस्तान हम मेडिकल टूरिज्म पे काम कर रहे हैं बहुत बड़ा रेवन्यू हम पुल दे रहे हैं डाइवर्ट कर रहे हैं हम अपने डॉक्टर्स और अपने हॉस्पिटल्स की तरफ हम एजुकेशन टूरिज्म पे काम कर रहे हैं एजुकेशन टूरिज्म पे हम यूनिवर्सिटीज़ की तरफ अपना रेवेन्यू जो है उनके साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं और रेवन्यू डाइवर्ट कर रहे हैं हम एग्री टूरिज़म के ऊपर काम कर रहे हैं एग्री uh, टूरिज़म के ऊपर हमने बहुत पूरे पाकिस्तान में हमारा एक टीवी शो भी है किसान का पाकिस्तान के नाम से जिसमें हम वैल्यू ऐड कि किस तरह आप प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं बहुत बड़ा सेगमेंट है हमारा एग्री टूरिज़म का हमारा एडवेंचर टूरिज़म का हमारा विंटर टूरिज़म का uh, yeah, इन, जी तो, तो, तो यू आई मीन यू नेम इट टूरिज़म को एक्चुअली बदकिस्मती हमारे यहाँ ये है कि हम सिर्फ ये समझते हैं कि शायद के छुट्टियों में या किसी टाइम पे किसी नॉर्दर्न एरिया के अंदर जा के वहाँ पे चार पाँच छः दिन जो है वो हमने स्पेंड करने हैं तो वो टूरिज्म तो है नो ये नहीं है ये आपने एक वोकेशन है बड़ी अच्छी बात है दिस इज़ अ पार्ट ऑफ बहुत छोटा पार्ट है यहाँ पे जब भी मेरी गवर्नमेंट सेक्टर में बात हुई किसी मिनिस्टर साहब से बात हुई या किसी से भी बात हुई तो वो वहाँ पे ले दे के बात कहाँ पर ख़त्म होती है कि जी हम आपको एक जगह दे देते हैं वहाँ पर आप अपना एक होटल खोल लें तो वो यानी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि टूरिज्म की तो एक एक कैटेगरी आप किसी कैटेगरी बिजनेस टूरिज्म दुबई में हमारा सेवन बिलियन डॉलर का बिजनेस टूरिज्म है मैं कहता हूँ किसी आप यहाँ पे बात कर लें हमारे यहाँ बिज़नेस जो है बिज़नेस टूरिज्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं है फेस्टिविटी टूरिज्म हमने दुबई जो है शुरू किया दुबई के जो फेस्टिवल्स शुरू किए तो वो देख लें वो, 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 वो ग्लोबल विलेज, गया। विलेज हो गया एग्जैक्टली फिर ये है कि अपना आपका शॉपिंग फेस्टिवल है शॉपिंग फेस्टिवल फोर टू फाइव बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू डिपेंड करता है जनरेट करता है तो इस तरह इसकी टूरिज्म की मोर देन ट्वेंटी कैटेगरीज है कोई एक नहीं है ट्वेंटी कैटेगरीज है हम सिर्फ एक चीज़ पे बात करते हैं कितने होटल खोल लिए कितने वो जो है वहाँ पे रेस्टोरेंट खोल लिए दिस इज़ नॉट टूरिज़म टूरिज़म का स्कोप बहुत बड़ा है हमें उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है हमें उस टूरिज़म के स्कोप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है और हमें इस टूरिज़म के स्कोप के ऊपर इन्वेस्टमेंट लाने की ज़रूरत है इस मुल्क में और मैं समझता हूँ कि हमारा जो बिल्कुल ये मैं आपको विदाउट किसी एग्जेजन के कह रहा हूँ कि हमारा जो टूरिज़म का पोटेंशल है दैट इज़ ट्वेंटी फाइव बिलियन यू एस डॉलर्स का हमारा पर ईयर का टूरिज़म पोटेंशल है जिसको हम एवरी सिंगल डे जो है हम अपना टूरिज़म का रेवन्यू लूज़ कर रहे हैं एवरी सिंगल डे वो शेयर कोई और आपसे ग्रैब करके लेके जा रहा है स्पेशली इंडिया ओवर थर्टी फाइव बिलियन डॉलर्स के रेवेन्यू पे इस वक्त uh, आपका टर्की ओवर फोर्टी बिलियन डॉलर के रेवेन्यू के ऊपर हर कंट्री को रियलाइज़ हो गया है कि टूरिज्म द थिंग uh, टूरिज़्म और आईटी ये दो चीज़ें हैं जो आपको सेव करेंगी पूरे कंट्री को सेव करेंगी फ्यूचर में फ्यूचर यहाँ पे है अगर हम आज समझ जाएंगे इसके ऊपर कुछ कर लेंगे तो, तो हमारा कल जो है वो रोशन हो सकता है और अगर आज हमने इसको मौके को जाने दिया जिस तरह हमने बहुत सारे मौक़ों को बहुत सारी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे रिकॉर्ड के ऊपर अगर ये भी मिस्ड अपॉर्चुनिटी रही उसी तरह जिस तरह ये कई सालों से मौजूद है आ, तो फिर ये है कि फिर ही हाफ़िज़ है फिर हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्टीज़ होंगी अब ये देखें एग्जैक्टली अब देखें देखे, कितनी अब पूरा पूरा देखें सेवेंटी परसेंट जी डी पी पे कंट्री चले गए हैं सिक्सटी परसेंट जी डी पी कमिंग आउट ऑफ टूरिज्म वो टूरिज्म से आ रहा है लेकिन हम कह रहे हैं मेरी पिछले दिनों एक किसी ऑफिशियल से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में तो टूरिज्म हो ही नहीं सकता जब तक जो है यहाँ पे अल्कोहल जो है वो उसको हलाल नहीं

तो उसके अफोर्स क्लब का भी थोड़ा सा बताइएगा कि इसके पीछे भी वो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज ही था उसको आगे लेकर आना ऑब्वियसली यही होगा थोड़ा सा प्लीज जी ये मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे जो स्पेशली मेरा एक्चुअली शुरू से यही है कि कोई भी प्रोजेक्ट जब डेवलप किया जाए तो उस प्रोजेक्ट को इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि वो सिर्फ ना सिर्फ वो उसका एक कमर्शियल एस्पेक्ट हो बल्कि उसके साथ-साथ एक कम्युनिटी एस्पेक्ट भी हो तो ये एक बड़ा चैलेंज था ये पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ हमने एक जेवी साइन किया एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके तहत हमने कहा कि जी हम आपको इस जगह की ये बड़ी डेड प्लेस थी तो यहाँ पे एक क्लब ये चाह रही थी पाकिस्तान एयरफोर्स के क्लब अच्छा के ये आइडिया उनका था तो उनके माइंड में था, कि था। क्लब जो है उसको डेवलप किया जाए okay. उसके लिए फिर हमने पूरा एक क्लब का कॉन्सेप्ट हमने इकट्ठा किया और ख़ुद उसको हमने प्रेजेंट किया और फिर फाइनली हमने एग्रीमेंट साइन किया और फिर उसके बाद हमने इसकी डेवलपमेंट शुरू की तो इसमें भी अलहमदुल्ल पाक ने हमारी मेहनत का हमें सलाह दिया कि दिन और रात की हमने मेहनत की और अब इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के टॉप के तीन चार जो क्लब्स हैं उसमें अब है। का एक शुमार होता है बहुत ही और स्पेशली मेरा जो फोकस था वो कम्यूनिटी और फैमिली में था कि यहाँ पे फैमिलीज जो है वो आए एक बहुत ही अच्छा हमने एनवायरनमेंट क्रिएट किया यहाँ पे बिल्कुल फैमिली क्रिएट किया और लोग जो है आज बड़ा ही मेंबरशिप में बड़ा प्राइड फील करते हैं प्राउडली इस क्लब की मेंबरशिप को ओन करते हैं लोग और अलहमद ये एक बड़ा ही यूनिक आइडिया था आपका बिल्कुल के आपको मैं ये बताना चाहूँगा आपके मीडिया आउटलेट प्लीज से अभी चंद दिन पहले हमने लाहौर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है लाहौर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक विलेज विलेज के नाम से ये पाकिस्तान का पहला है है जो हमने डिजाइन किया है। और ये बड़ा ही अमेजिंग आर्मी की लैंड थी तो इस अच्छा, वक्त तो पाकिस्तान आर्मी में स्पेशली एग्रीकल्चर पे बड़ा काम हो रहा है तो उसी को देखते हुए हमने भी एक प्रपोजल दी उनको के लिए एक बड़ा यूनिक प्रोजेक्ट है जिसको हम आपकी लैंड पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं और पूरा पाकिस्तान इन इसको वो कॉपी करेगा इस ट्रेंड को लेके चलेगा इसको फॉलो करेगा जा था। जा था। और अलहमदुल्लह अभी हमें थ्री ईयर्स टू डिवेल्प दिस प्रोजेक्ट ओवरऑल और पिछले कुछ सात आठ महीनों में हमने रिगरसली इसके ऊपर काम करते हुए इसको हमने फाइनली जो है अभी रिसेंटली उसको हमने पब्लिक के लिए ओपन किया है तो पूरा हमने एक लाइफ स्टाइल नेचुरल और ऑर्गेनिक लाइफ स्टाइल किया है कि जहाँ पे हम हम ऑर्गेनिक खाद से लेके हमारे थिंग इज ऑर्गेनिक यानी कि जगह पे ओके चाहे वो आप देसी मुर्गी है देसी बकरा है अच्छा गाय का दूध है भैंस का दूध है फ्रेश उसी वक़्त आपको मिलेगा देसी घी है आपने खाना खाना है तो आपको ऑर्गेनिक खाना वहीं से मिलेगा आपने आटा खरीदना है तो ऑर्गेनिक आटा आटे की चक्की हमने लगाई तो इस तरह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये तो ये ये एग्री टूरिज्म में फॉल कर तो मैं उसमें यही चाह रहा था कि एक हम एग्री टूरिज्म का कॉन्सेप्ट भी लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाएं तो फिर इसको लोग फॉलो करें हर जगह पे हर एरिया में और हमारे जो है वो इससे इस रेवेन्यू जनरेट हो आपके माशाल्लाह नो डाउट बहुत अच्छी काविशें हैं और अल्लाह ताला इसको जब नीतें साफ़ इंसान की स्पेशली मुझे पता है आपके माइंड में क्या होता है कि काम को अच्छे तरीके से किया जाए अभी आपने क्लब का जिक्र किया कि पाकिस्तान के अच्छे क्लब्स में से आपका शुमार होता है नो डाउट अच्छा मुझे हमेशा आ, ये रही है मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर आम इंसान के लिए बात करता हूँ कि ये भी फैसिलिटी एक लीड क्लास के लिए है क्लब के लिए कि आम लोगों के लिए भी वो भी मेंबर बन सकते हैं ये थोड़ा सा बताइएगा और मीडिया के लिए भी कुछ इसमें आपने रखा है कि वो मीडिया पर्सन भी इसमें कुछ पार्टिसिपेशन है उनकी कि नहीं जी जी बिल्कुल एक्चुअली हर किसी की हमने कोई इसको कोई सच कोई प्रेजिडस नहीं किया okay. कि सर्टन जो है क्राइटेरिया के लोग जो है okay. वही जो है okay. सिर्फ okay. लीड काला ही हमने बेसिक्स ज़रूर रखें देखें कि जब भी एक कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट यही होता है कि कहीं भी कोई भी कम्युनिटी ग्लोबली जहाँ पे भी कोई डेवलप होती है तो उस कम्युनिटी के कुछ असूल और कुछ जब आप जरूर डेवलप करते हैं अदरवाइज वो फिर कम्युनिटी नहीं होती वो फिर जस्ट एक जनरल चीज़ बन जाती है तो क्लब का एक्चुअली फ़िलासफी यही होती है कि आपने सबको जो है वो एक तहफ़ का एहसास देना होता है तो इंश्योर करना होता है कि कोई भी मैंबर जिसका कोई क्रिमिनल रैकड ना हो जिसके कोई और कोई ऐसी बैड रेपुटेशन नॉन बैड रेपुटेशन ना हो कोई और पुलिस रिकॉर्ड ना हो तो वो उनको आप उस कम्यूनिटी में ना लेके आएँ तो उनके लिए आप रिस्ट्रिक्ट करें चीज़ों को फिर दूसरा इसी तरह आपके सर्टन आप क्लब के रूल्स बनाते हैं कि जी आपकी ड्रेसिंग जो है क्योंकि सारे जो है वो फैमिलीज़ की वो ये ख्वाहिश होती है कि हम ऐसी जगह पे उस कम्युनिटी का पार्ट बने कि जिस कम्युनिटी में जो है एक अच्छी ड्रेसिंग करके लोग आते हैं फिर इसी तरह इन्वायरमेंट अच्छी, अच्छी होती है जी एग्जैक्टली तो बस ये होता है हमारा क्लब का यही कुछ चीज़ें होती हैं कि जो लेके आती हैं और उसमें हमने वेरियस कैटेगरीज डेफिनेटली बनाई हुई हैं हमने उसमें मीडिया की कैटेगरी भी है हमारी सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स की भी सिविलियंस की भी आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स की भी तो इस तरह हमने किनशिप में कुछ मेम्बरशिप्स रखी होती हैं फिर इसी तरह जो हमारे रिटायर्ड पर्सनस हैं उनके लिए तो इस तरीके से करके वो एक बड़ी अच्छी हमने उसको जो है वो एक कम्युनिटी डेवलप की है बड़ा अच्छा बनाया जी बिल्कुल जी अच्छा डॉक्टर साहब एक आपका और इनिशिएटिव है यानी कि डिस्कवर पाकिस्तान के हवाले से एआई जो कि आजकल और आने वाले दिनों में बल्कि फ्यूचर ही भारत हो वो होगा आपने एक नई वो काविश की थी थोड़ा तो सा वो भी व्यूर्स को बताइएगा क्योंकि हमारा ये जो एशियन ट्रेड टी का प्लेटफॉर्म है ये बहुत डिजिटली तमाम यानी कि कौंसलेट्स में देखा जाता है और जितनी ट्रेड से रिलेटेड इंडस्ट्री है उसमें बहुत पॉपुलर है हमारा ये सेगमेंट प्लीज़ थोड़ा सा बताइए जी श्योर जिस तरह मैंने अभी बात की थी कि देखें आई और आपका टूरिज़्म ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो फ्यूचर में कंट्रीज़ को जो कंट्रीज़ इसमें लीड करेंगे वो हर चीज़ में लीड करेंगे तो इसमें और दूसरी चीज़ ये कि देखें ये वो चीज़ें हैं कि जिसमें ना आपको किसी अम्बारग का डर है ना किसी कंट्री का कि अगर आपके पास ये इंडिविजुअल का फ़ैसला है कि मैंने किस कंट्री में जाना है टूरिज्म के लिए इसके ऊपर किसी ने चाहे वो अमेरिकन लेट सपोज के लोगों को होता है डर के जी अमेरिकन अम्बार्गों का किसी वजह से यूरोपियन अम्बार्गों का कि वो जीएसटी प्लस हमें स्टेटस मिलेगा या नहीं इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है सिमिलरली आपकी आईटी सर्विसेज जो हैं उसका दुनिया में वो आपने इंडिविजुअल कंपनीज़ को देनी है इंडिविजुअल ने इंडिविजुअल को देनी है या इंडिविजुअल ने बिजनेस को देनी है तो वो सर्विसेज भी ये है कि वो हमेशा रेवेन्यू लाती रहेंगी तो उनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो हमने जी ना सिर्फ टूरिज्म बट किसके साथ साथ हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर क्योंकि आई स्ट्रांगली बिलीव इन कि इनोवेशन इज़ द लीडिंग प्रस्पेक्टिव कि वो हमेशा जो है इनोवेशन जो है जो वो आपको लीड में लेके जाती है किसी भी जगह पे आप हो किसी भी इंडस्ट्री में हो तो हमने जी पूरी दुनिया में ये एक सेट रिकॉर्ड किया है कि पूरी वी बिकेम डिस्कवर पाकिस्तान बिकेम द फर्स्ट टेलीविजन टीवी चैनल के जिसने एआई टॉक शो के जिसमें होस्ट एआई तीन एनालिस्ट एआई सारे के सारे और उनका हमने एक शो प्रोड्यूस किया और वो शो जो है वो हमने एयर किया इस बिन सिक्स मंथ्स उसके बाद कुछ और कंट्रीज़ ने कुछ और चैनल्स ने कोशिश ज़रूर की है लेकिन अभी तक वो हमारे जैसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं करवा सके हमने गिनस बुक ऑफ वर्ल्ड को सबमिट कर दिया हुआ उसके ऊपर उन्हें सिर्फ प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये कैसे पॉसिबल हो गया Uh, के पाकिस्तान में ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये टेक्नोलॉजी में हमसे इतने यानी अमेरिका यूरोप पूरा पड़ा था चाइना इंडिया सब थे लेकिन यह कि पाकिस्तान कैसे इसमें लीड ले गया आप अगर आज भी अभी आप गूगल करें वर्ल्ड्स फर्स्ट ए आई टॉक शो तो गूगल में हमारा टॉक शो जो है वो आएगा तो यही मैंने उन्हें कहा मैंने कहा देखें दिस इज़ द इंफॉर्मेशन एज वी आर लिविंग इन हमारे लॉयर्स ने बुक वालों से कहा कि हमारी हर चीज़ हमारी हर अचीवमेंट वो इस ऑन द रेकड आप उसको चेक करें अगर किसी और ने किया है तो हमें वो दिखा दें अगर नहीं किया तो फिर हमारा एक्सेप्ट करें कंसिडर करें।, करें तो होपफुली इन दे दे हैव नो चॉइस बट तो, तो ये और हम आगे इसके ऊपर बहुत सारा काम हम टूरिज़म के अंदर ए आई को इंटेग्रेट करने जा रहे हैं और इन यू विल सी दैट के दिस विल मेक ए उनके आप नहीं नहीं आई मीन ह्यूमन एंकर सी ह्यूमन विल ऑलवेज बी इन द लीड लेकिन ये है कि जो चीज़ें ह्यूमन के बियॉन्ड ह्यूमन हैं उनको हम चाहेंगे कि वो वहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए फॉर एग्जांपल आपकी और मेरी लिमिटेशंस हैं कि हम सर्टन लैंग्वेजेस हमें एक नहीं दो नहीं तीन लैंग्वेजेस जो हमने सीखी होंगी हम वही बोल सकते हैं इट विल टेक अस इयर्स टू लर्न अनदर न्यू लैंग्वेज लेकिन एआई के लिए इट विल टेक फ्यू सेकंड्स टू टॉक एंड अंडरस्टैंड अनदर लैंग्वेज तो ये सर्टन जो है लिमिटेशन्स जो हैं जो ह्यूमन लिमिटेशन्स जो हैं तो उसको ए ने आके क्रॉस कर लिया है वो ओवरबोर्ड चला गया तो उसको हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए और वही यही फ्यूचर है और मेरा तो यही है कि पाकिस्तान को इसमें लीड लेनी चाहिए हमने ऑलरेडी एज़ ए चैनल एज ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसमें पूरी दुनिया को बीट किया है और मैं कहूँगा कि अगर पाकिस्तान भी इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट भी सीरियस हो जाए तो हम पूरी दुनिया को इस ओवरऑल टेक्नोलॉजी में हम बीट कर सकते हैं इन शाह एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं अपने हर गेस्ट से करता हूँ ख्वाब वो बचपन के ख्वाब जो देखा करते थे डॉक्टर साहब उनकी तबीर मिल गई कि अभी भी वो सफ़र जारी है क्योंकि तो मेरा फॉर्मेट भी ख्वाबों से तबीर है अंकल जी बहुत अच्छा नाम है आपके शो का देखें ख्वाब जो है वो मैं तो ये समझता हूँ कि जो इंसान ख्वाब नहीं देख सकता ना वो तबीर नहीं पा सकता वो जो शख्स बड़े ख़्वाब नहीं देख सकता वो बड़ा काम नहीं कर सकता तो हर चीज़ जो है वो ख्वाबों से ही शुरू होती है तो उसके लिए सबसे पहले जो है चाहे वो उसको कोई कहे डे ड्रीमिंग कोई नाइट ड्रीमिंग जो भी कहे लेकिन ड्रीमिंग के बग़ैर जो है आप अपने ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंच नहीं सकते कोर्स ऑब्जेक्टिव्स तक पहुँचने के लिए गोल्स तक जाने के लिए मेहनत लगन परसिस्टेंस बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है लेकिन ख़्वाब वो पहला अमल है कि जब आप देखते हैं जब आप एक विजुलाइज़ करते हैं एक चीज़ को और फिर उसके बाद ही आप उसके लिए को प्लान कर सकते हैं कि मैंने ये प्लान करके और मैंने यहाँ पे पहुँचना है तो बहुत सारे ख्वाब जो है जो देखे थे वो अलहमदिल्ला पाक ने पूरे किए जो है वालदेन की दुआओं से वालदा की दुआओं से, से स्पेशली वो पूरे हुए लेकिन मेरे ख़्याल में ये सफ़र जो है और ये जारी रहना चाहिए कि जब तक ह्यूमन का सांस में सांस होती है इंसान के तो ये एक सफ़र जारी रहना चाहिए आगे बढ़ने का ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अचीव करने का लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि पहले जो ख़्वाब थे वो ये थे कि अपने लिए ज़्यादा थे कि ये अचीव करना है ये अचीव करना है ये अचीव करना है इस तरह की गाड़ी होनी चाहिए इस तरह का घर होना चाहिए ये चीज़ होनी चाहिए यहाँ ऑफिस होना चाहिए यहाँ तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें जो वो अब अचीव कर लीजिए लेकिन अब जो ख्वाब हैं वो दो तरह के हैं एक मुल्क के लिए है कि मुल्क को कहाँ जाना चाहिए मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं क्या करना चाहिए एक तो ये है और दूसरा पाकिस्तानियों के लिए हमारी वाम के लिए कि लोगों के लिए कि हम किस तरह की क्या कुछ कर सकें कि जिससे जो है हमारी आवाम खुशहाल हो सके जिससे हम उन्हें कोई ना कोई एजुकेशन दे सकें हम उन्हें कुछ स्किल्स दे सकें हम उन्हें इसकाबिल कर सकें क्योंकि किसी का भी मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए कब किसी भी बच्चे को जो पाकिस्तान में पैदा होता है उसको कभी ये सोच उसके जहन में पैदा नहीं होनी चाहिए कि मैं शायद मेरा ये कसूर जो है इस गुरबत का ये है कि शायद कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ तो ये चीज़ जो है ये एहसास कभी किसी बच्चे के जेन में नहीं होना चाहिए ये हमें यही हमें ये एहसास हमने टेक अवे करना है इसको हमने रिप्लेस करना है कि विद द प्राइड तो इसके लिए हमें काम करना है सबको मिल के और इन शना हिस्सा डालते रहेंगे और डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि टाइम की बंदिश है और ये इतना मेरे पास और भी भी बहुत कुछ है आपसे बात बात करने को लेकिन वही बात है टाइम कम है डॉक्टर साहब सी के हवाले से आपके अदारे को हम कहाँ देखते हैं वेल well, देखिए जी दो तीन सी पे मैं तो पहली बात ये है कि आई स्ट्रॉन्गली बिलीव इन मैं समझता हूँ कि कोई भी कॉरपोरेशन जो है या कोई भी इंडिविजुअल बिजनेस है छोटा है बड़ा है उसको अपने साइज़ के मुताबिक जो है अपने सी एस आर को क्रिएट करना चाहिए हमने एक तो ये किया हुआ है कि हमारी जितनी भी स्ट्रेंथ है बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी सारी कंपनीज को मिला के अलहमदुल्ला तो हमने सबसे पहला काम तो ये किया है कि हमने एक फंड्स बनाए हुए हैं कि जिसमें हम अपने एम्प्लॉज़ के लिए आसानी पैदा करते हैं कि जितनी भी आसानी हम पैदा कर सकें एक तो हमने ये इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले क्योंकि ये एम्प्लॉज़ आपकी स्ट्रेंथ है वो इस कंपनी को उनका ब्लड एंड स्वेट आपके साथ लगता है कंपनी को की प्रोग्रेस में की तो, तो उन्हीं की वजह से इदारे बनते हैं तो आपको सबसे पहले तो उनको देखना है फिर उसके बाद जो है अभी हम एक Uh, मैं हमेशा अगर कोई मुझसे पूछे मुझे कहे कि मैं वट शुड आई कॉल माई सेल्फ तो आई आई वुड कॉल माई सेल्फ अ सोशल आंट्रप्र्योर इंस्टेड ऑफ जस्ट एन आंट्रप्रोर वो इसलिए कि मेरी हमेशा से सोच रही भी है और आगे भी जो है स्पेशली पर्टिकुलरली वो यही है uh, कि हमने uh, किस तरीके से जो है uh, लोगों के अंदर uh, एक उनको कोई ना कोई टूल्स ऐसे देने हैं कि जिससे वो आ, कुछ ना कुछ अर्न कर सकें रोज़गार किस तरीके से अभी हम उसके लिए एक ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ हमने को ऑलमोस्ट फाइव मिलियन उसके ऊपर ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है ये हमारी सी एस आर ऐप ही है सेंस यू आस्क्ड मी तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा लेबरेट भी कर दूं कि वो ये करेगी कि हम उसमें इस ऐप को इसका नाम है टूर गाइड कि वो टूरिज़म से ही रिलेटेड है हर जगह पर Uh, किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे uh, एक शख्स जिसको और कोई हुनर नहीं आता उसको सिर्फ़ उस इलाके का पता है ही और शी कैन बिकम ए टूर गाइड वो वैप के ऊपर लॉग इन करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं एक किसी के पास घर में एक सोफे की जगह है एक कमरे की जगह है जिस तरह एयर बी एन बी कॉन्सेप्ट है हम उसको उसके अंदर हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया तीसरा किसी के पास जिस तरह ऊबर करीम का कॉन्सेप्ट है हमने उसको किसी के पास कोई गाड़ी है हमने उसको कर दिया कि आप अपनी एंगेज कर दिया उसके साथ चौथा हमने कोई भी समॉल बिजनेस ओनर है उसको हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया और सबसे ब्यूटी ये है कि ये दुनिया की पहली ऐप होगी कि जिसमें जो ट्रेवलर टूरिस्ट और जो वेंडर है जो सर्विस प्रोवाइडर है वो दोनों एक दूसरे के साथ विदाउट किसी को पे किए वो डायरेक्ट इंट्रैक्ट करेंगे और डायरेक्ट एक दूसरे को सर्विस एक्सचेंज करेंगे और उससे जो है बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है वो हमारी उन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के अंदर जाएगा जहाँ पर जिन लोगों को उसका शेयर नहीं मिलता तो इसमें हमारा इन ये है हमारा टारगेट ये है कि विद इन दिस टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर हम एक लाख लोगों के लिए इनशा जो है वो हम एम्प्लॉमेंट क्रिएट करने का हमारा ख्वाब है कि हम उसको करें और ताला हम well, Dad, uh, मैं समझता हूँ कि जब हमारी दोबारा मुलाकात होगी तो तमाम टारगेट्स आपके अचीव हो गए होंगे और हम इस सफर को आगे लेके चलेंगे देखा है ना ख्वाब चलते रहने का जागते रहने का नाम है देखते रहने का नाम है जो लोग आगे नहीं बढ़ते डॉक्टर कैसर साहब के एग्जाम्पल आपके सामने है आज हमने डिस्कस की ख्वाबों से तबीर तक के ये सफ़र में डॉक्टर साहब अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज आप हमारे मेहमान थे और आज आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी है जो कि हमारे ख्वाबों से तबीर तक के जो सफ़र में गेस्ट होते हैं हमारी जो स्पॉन्सर कंपनी है मॉडल स्पीक ग्रुप ऑफ कंपनीज उनकी तरफ से है जो आप, है। आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आप हमारे साथ इस सफ़र में हम सफ़र थे थैंक यू सो मच जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और मॉडल स्टील का भी और आपके मैगजीन का भी बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया जी 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 डॉक्टर साहब ये आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है थैंक यू जी आपको हमेशा याद रहेगा जी, जी. You, बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया जी थैंक यू अपनी गुड़िया सर में तेल डाल दो सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सके और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो चल अबा के पास इतने पैसे अब आपने घर क्यों बेच दिया जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं वहाँ घर टूट जाते हैं ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे मॉडल स्टील आओ एक मजबूत घर बनाते हैं